गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये किसी ने गुड पासवर्ड इवनिंग अपने सर। नेम में डाल दिया। क्या कोई बात नहीं, नाम में पासवर्ड है। अरे सर मार होगा शायद, मेरे मेरे नाम में, तेरा नाम ही है। खुल गया था नाम एंटर करने की जगह पासवर्ड एंटर कर दिया। कोई बात नहीं, कोई तेरी आवाज से पता लग गया मैं तो तू है वो। कल अपने को थोड़ा सा बचा हुआ है ना। निकालो जल्दी से। सर आज तो हम भी करके आए हैं। क्या करके आया तुम? हाँ क्या क्या आपने करके आया बोला तुम? था गुड करने को? मॉर्निंग सर। आपने क्या बोला था करने को? कुछ नहीं बोला मैंने। चलो बताओ जल्दी से। पार्ट वन में सेक्शन ए में पार्ट एक्सरसाइज, वन है। पार्ट वन सेक्शन ए ऐसे सर चेंज। रुको, पार्ट वन में यही सेक्शन ए। हाँ तो बचा था ना, एक दो ये ए और बी तो बचा था ना कल। हाँ ए बी सी में तो नहीं है कोई डाउट। एक वो तो पहले डिस्कस हो गया था, डी तक, वो तो सर पहले सी हो तक। गया था ना उसको तो। तो फिर पढ़ना है आज तो। हाँ हाँ सर, डेरिवेशन। सर आज मैं करके आया, आज मेरे को वापस करो मेरे बाकी से। क्या बोल रहा है तू? आज मैं करके आया हूँ तो आप डिस्कशन नहीं करवा रहे? अरे क्या मैंने बोला तो सही, क्या करके आया तू आज? शीट पूरी, मैं पूरी तरह एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तू करनी है पर आज थोड़ी ना करने को बोला था एक्सरसाइज तू। भाई मकर संक्रांति के तू तो बाद मैंने की भी नहीं है। मेरे तो वन कंप्लीट। वन तो कर हमेशा पीछे से ही लिया चालू करना चाहिए सर, जब भी बोले पीछे से ही डिस्कशन करते हैं। हाँ क्योंकि मेरे को पता है ना तुम आगे आगे के तो कर लेते हो, पीछे की नहीं करते होंगे। हाँ मैं पीछे से ही चालू करता हूँ। तो पीछे से चालू करता है? नहीं ऐसा कुछ चलो नहीं, वो वो कहीं से पढ़े। फिर आगे से वो बाकी था। पूछेंगे। डी चलो पी आ गया था उसके बाद। यू बाई डी एक्स प्लस। सर रुको रुको, आपको वो याद भी तो नहीं है लिखो कहाँ आप से? पहले क्या लिखो? वो ये तो लिख लिया था सर। ये यहाँ से अरे चालू कर दो ना, ये एक्सप्रेशन मिल गया होगा अपने को। डायरेक्टली आप पी का लिखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये बस यहीं से चालू कर देते हैं। ठीक है, आप ये पावर तो इक्वल शायद टू हमने कल बस उस दिन लिखा था। बस बस डी बाई डी टी, इसको डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, इसको रीअरेंजमेंट कर ले डी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी डी एक्स बाई डी टी वो भी हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी स्पीड। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को स्पीड लिख लिया, ये पावर वाला फॉर्मूला हो गया ना। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, जिसमें टाइम आता है ना वो फंक्शन होते हैं इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फंक्शन है। अब निकालना है अपने को एवरेज पावर। तो कल मैंने एक एवरेज का फॉर्मूला बताया था ना, उसी तरीके से एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर मतलब हो जाएगा पी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और एक टाइम पीरियड के लिए, पूरा एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड मतलब कितना हो जाएगा? जीरो से टी के लिए, जीरो से टी। समझ रही बात ये है ना? हाँ अब सर। किसी भी लोकेशन के लिए अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे ना, तो एवरेज पावर सेम होती है फॉर ऑल लोकेशंस, है ना? पावर विल बी सेम, एवरेज पावर लिखेंगे अपन। एवरेज पावर, किसी को एवरेज पावर विल बी सेम। ठीक है, तो हम क्या करें, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, ताकि थोड़ा फंक्शन सिंपल हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो पावर इंस्टेंटेनियस जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस फंक्शन बन जाएगा हमारे पास म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कॉस, अब इसका क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है ऊपर नीचे इनटू वी भी है ना, हाँ इनटू वी भी है, वी वी इनटू सॉरी सॉरी वी वी रही है, अरे ये बॉर्डर हटा लो जिसने भी लगाया है, बॉर्डर हटा लो जिसने भी लगाया है, केमिस्ट्री क्लास में भी लगती है, क्या लगती है बॉर्डर हटा लो, मैं सही मिल तो तुम, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, देखो अभी एवरेज के लिए फंक्शन लिखा म्यू इनटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इनटू डीटी। अच्छा, इसमें टाइम पीरियड जीरो से कैपिटल टी और नीचे भी डीटी जीरो से कैपिटल टी, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, म्यू इनटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सर वी कांस्टेंट होता है, होता है नहीं होता, वी कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देते हैं वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी, लीनियर बना दिया ना सर, वी कैसे कांस्टेंट है, वी कैसे कांस्टेंट नहीं है, वेव स्पीड तो कांस्टेंट है ना ओमेगा बाई के, मेरा रह गया वीडियो देखना पड़ेगा, जीरो से टी, ठीक है। अब एवरेज पावर में देखो यहाँ पे टू बार ले लो यहाँ पे सब कुछ है ना, ये जो टू वाला फंक्शन है उसे बार ले लो, सर नीचे सीधा टी नहीं लिख सकते, कितनी बार इंटीग्रेशन है वो पूरा लिखा, हाँ लिख सकते हैं ना, शांति रखे म्यू ए स्क्वायर ओमेगा को टू पाई एफ रख दिया मैंने इनटू वी, ठीक है, जीरो से कैपिटल टी, और ये तुम सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा ऐसे, फिर अब एफ को वन बाय वी, ये वाला पूरा ना, ठीक है। टी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू इंटू वी, ठीक है, और इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये वन बाई टू आएगा, तो ये तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, इसको अच्छे से याद करके रखना, टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू इंटू वी, यहाँ पे सारे टर्म्स को भी अपन लिख लेते हैं एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेव्स में एनर्जी और पावर का ही खेल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है, म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है अपने पास, ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे, वी, वी जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव, ये नोट करो, मुझे लगा मैंने पोछा नहीं लगाया, लिया नोट ये कर लिया, एक मिनट सर, हाँ सर, वैसे अपन है ना इस फॉर्मूले को लिखा के आगे भी बढ़ जाते, बट इसमें क्या है ना कि इतनी सारी चीजें कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीजें काम आती है ऐसी, कि जैसे एवरेज निकालना, ये एवरेज निकालना बाद में भी काम आएगा, एसी वेसी पढ़ेंगे तब अपन, अदरवाइज तो ये काम करते हैं फॉर्मूला ही है, यहाँ पे डेरिवेशन को ही काम करनी है, बट उससे चीजें सीखने को मिलती है, पूरा कर लिया नोट, यस सर, ठीक है।
चलो उसके बाद जो ये पावर एवरेज पावर का फॉर्मूला है उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं. इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? पावर बाई एरिया. पावर बाई एरिया है ना. तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या है? टू इंटू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एरिया मतलब ए. ठीक है, ए से ही काट देते सर. वो एम्पलीट्यूड नहीं है. अच्छा ऐसे नहीं करता सर, आपने पर्पसफुली किया था ना. हाँ भाई मेरे को भी लग रहा है. ओ सर सर वही तो मैं आपने पर्पसफुली नहीं किया था. आपने पर्पसफुली किया था सर. इजान क्या कहना चाहता है? इजान तू बोल गया बेटा, नहीं तो इनको पता भी नहीं लगता है. अरे सर मैं बोलने ही वाला था, फिर अभी बोल गया तो मैं रुक गया. सर मैं थोड़ा समझू था, मेरे को पता है आपने पर्पसफुली लिखा. आप पे भरोसा आप पे भरोसा है. ये एरिया कौन सा ले रहे हैं? पाई आर स्क्वायर वाला ये एरिया है ना. तो और इसकी लेंथ एल मान लेते हैं. तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू ए जी टू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एरिया. इसको नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर ले. तो नीचे क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम. वॉल्यूम वॉल्यूम बन जाएगा. अच्छा म्यू को क्या लिख सकते हैं? एम बाय एल. तो ये एम क्या? ये स्पीड है, ये एल और नीचे एल आएगा किसका? एम बाय एल का. और ये वॉल्यूम बन जाए. इस वॉल्यूम को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि वो वी से वी कट नहीं जाए, है ना. नहीं तो कट सकता है वो. समझ आ गई बात? ये कैपिटल लिख लेना. एल तो कटेगा ना. हाँ एल कटेगा सर. एल तो मैंने खुद ही ऐड किया. क्या पर मास के टर्म्स, मास और वॉल्यूम के टर्म्स में ले आने के लिए फिर अब इसको डेंसिटी लिखेंगे. अरे एक मैंने स्टेप ज्यादा लिख दिया है. आपको पहले एम बाई एल लिख लेते हैं ना. अरे मैंने एक स्टेप ज्यादा लिख दिया है, तुम कम कर लेना. म्यू को क्या लिख लेना पहले ही? M by L. M by L. तो नीचे area into L volume बन जाएगा. volume है. हाँ. अब ये mass by volume को क्या लिख सकते हैं? Density. Spring की density. ठीक है? ये color थोड़ा सही नहीं लिख रहा है. तो intensity I equal to क्या हो जाएगा? देखो बेटा 2 pi square F square amplitude square density rho. ये intensity का formula है. इसमें क्या आ रहा था? म्यू. इसमें क्या पावर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? अरे पावर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? म्यू. म्यू. और यहाँ पे क्या आ रहा है? रो. रो. समझ आई बात? ये सर अब यहीं से अपन एक चीज पढ़ेंगे जो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है. ये ए आ रहा है ना इसमें? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बट इसमें क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ फ्रिक्वेंसी डेंसिटी और स्पीड को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, तब एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है. एडिशन करवाने वाला पढ़ा चुका हूँ ना सुपर पोजिशन. एक बार वेव्स को ऐड करते हैं, सुपर पोजिशन बोलते हैं. हाँ उसको सुपर पोजिशन ही बोलते हैं. ये पढ़ा चुका हूँ ना भाई, दो वेव्स सबके ऐसे दे रखी हो, इसका एम्पलीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है. हाँ वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं वो. होता नहीं है तो भी. ये फाई है, ये नेट है अपना. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ किया था ना कि एसएचएम के चैप्टर का स्टार्टिंग नहीं था, वो दूसरा चैप्टर का एंडिंग था.
पहला चैप्टर का था। मेरे लिए वो चैप्टर का स्टार्टिंग ही था। A2 sin phi divided by A1 plus A2 cos phi, ठीक है। बस इसमें एक बात समझ लो कि वेव और रेसिजन की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो बात समझ लो। जैसे मान लो ये दो सोर्स हैं S1 और S2, ये वेव के सोर्स हैं, ये पॉइंट है, ये इस पे इक्वेशन है अपने पास y1 और y2, मतलब y1 इक्वल टू मान लेते हैं a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं y2 इक्वल टू a, इस पे a1 मानेंगे, सॉरी इस पे a2 मानेंगे, a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये जो है ना, ये दोनों जो लिखी है मैंने, ये वेव की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव। और इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, एन नंबर्स या बहुत सारे ऐसे चिन्ह का कॉम्बिनेशन। अब यहां से x2 दूरी पे और ऊपर वाले से x1 दूरी पे, मतलब अपन ने क्या एक पॉइंट कंसिडर किया, जो ऊपर वाले से कितनी दूरी पे x1, नीचे वाले से कितनी दूरी पे x2। अब अपन लोकेशन फिक्स कर देते हैं, जब अपन लोकेशन फिक्स कर देते हैं तो आपको मिलती है एस एच एम की इक्वेशन। यहाँ पे y1 plus y2 क्या मिलेगा, इसको डैश कर ले तो अपन y1 डैश क्या मिलेगा, a1 sin omega t minus x1। जब अपन लोकेशन को फिक्स कर देते हैं, अब x1 फिक्स हो गया ना, तो ये एस एच एम की इक्वेशन बन जाती है। सर ये भी एस एच एम की, कौन सी, ये एस एच एम की इक्वेशन है दोनों, और ये दोनों उधर वेव की इक्वेशन थी, बस ये बात समझना। तेरा हंसना हटा दे, ये लेफ्ट वाला हटा दो। हाँ तो लेफ्ट वाला हटा दो। सर आपने डायलॉग नहीं मारा वो क्या, मुंह में लेके बोल रहा है उदय। हाँ सर। उदय तुम माइक को मुंह में लेके बोल रहे हो या माइक में मुंह डाल के बोल रहे हो? माइक बोल रही है मुंह में, मैं नाश्ता खाते खाते बोल रहा हूँ। नाश्ता खाते खाते बोलता है। आप इतनी क्लासेस तो आपको बीच में भूख नहीं लगती? लगती ना यार, क्या करें, पर अफसोस। खा लो, मंगवा लो सर मुकले के समोसे। अरे वो यार ऐसे ना डेली डेली ऐसी बेकार चीजें नहीं खा सकते हैं, वो से डेली नहीं खा सकते, एक बार खा सकते वीक में। ये गलत बात है सर, आप उसको बकवास क्यों बोल रहे हो? उसको बेकार कह रहे हो, वही गलत बात है। नहीं रोज खाएंगे तो बेकार ही है यार हमारे, उसमें फिर क्या हेल्थ पे इफेक्ट आते हैं हमारे, तो बहुत जल्दी दिख जाते हैं मेरे को तो। सर हेल्थ थोड़ा रोज रोज खा के फिर वो टेस्ट फिर खराब लगने लगता है। हाँ ऐसा ही समझ ले, इसलिए ऐसे ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसे चीजें बाहर की कमी खाएं, जब तक हो सकता है तब तक ना खाएं। ऐसा भी कर सकते हैं, रोज बाहर की नई नई चीजें खाए। हाँ वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअली तुम अभी घर पे रहते हो ना, इसलिए तुम्हें बाहर का चीजें पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि घर की चीजें मिले हमें खाने को। चलो अभी अपन देखते हैं कि ये वापस वही दो सोर्स बनाया, अब क्या डिफरेंट किया मैंने। फाइ वन फाइ टू इनिशियल फेज भी बनाया साथ में, फाइ वन फाइ टू दिया है ना। इस पे दो इक्वेशंस मिलेगी अपने को, y नेट में दो इक्वेशंस मिलेगी, एक मिलेगा y1 एक मिलेगा y2, मिलेगा ना। y1 को क्या लिखोगे, a1 sin omega t minus kx1 plus phi1, और y2 को क्या लिखोगे, a2 sin, ये दोनों भी SHM की इक्वेशन ही है, बस क्या डिफरेंट हो गया, फेज अलग हो गया, इनका इनिशियल फेज भी अलग अलग हो गया। अब दोनों का फेज डिफरेंस निकालो। फाई
टू माइनस फाइव वन, ठीक है, तो डेल्टा फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव टू, फाइव टू मतलब ये पूरा, अच्छा सॉरी मैंने उधर भी फाइव लिख दिया है, इधर भी फाइव लिख दिया है ना, क्या करें, इसको फाइव डैश बोल देना ना, ये फाइव टू डैश पूरे फेस को मैंने फाइव टू डैश बोला है, और ये ऊपर वाले को फाइव वन डैश बोला है, तो फाइव टू डैश मतलब ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू नहीं एक्स वन प्लस फाइव वन, बराबर है। अरे ये रे जी, यस सर, तो डेल्टा फाइव क्या मिलेगा, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा फाइव टू माइनस फाइव वन, और एक मिलेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, ये तो एक तो हो जाएगा के एक्स वन माइनस एक्स टू होगा ना, और फाइव में क्या हो जाएगा, फाइव टू माइनस फाइव वन, इसको ऐसे लिख लो, अच्छा ये तो एक माइनस है ना, सॉरी माइनस को बाहर रख लेते हैं इधर इधर, इसको माइनस को बाहर रख लेते हैं, बाय टू आ जाएगा, देखो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, और करके डेल्टा फाइव इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, मैंने एक्स टू को ज्यादा बड़ा मान लिया है ना, फाइव टू माइनस फाइव वन, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है कि एक्स टू इज ग्रेटर एक्स वन एंड फाइव टू इज ग्रेटर फाइव वन, फाइव वन समझ आ गई ना बात, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है, बराबर है सब कुछ, सही है सही है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने को बड़े वाले फेज में से छोटे वाले फेज को ही घटाना होता है डिफरेंस निकालने के लिए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है ना। अब तुम ये देखो कि ये जो फेज डिफरेंस है वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है सर, ये डेल्टा मतलब डेल्टा फंक्शन होगा, हाँ क्योंकि के एक्स टू माइनस के एक्स वन, पहले के एक्स वन माइनस एक्स टू था, उसमें वो प्लस माइनस का चेंज आया, ये फाइव वाले में, फाइव वाला ठीक है, पर जो के वाला है उसमें भी आगे एक माइनस लग जाएगा ना फिर, हाँ लेकिन वो माइनस अंदर लाके फिर उल्टा कर दिया, देख ले, अरे मैंने ये बोला ना बेटा कि ये बड़े, मैंने इधर कंडीशन लिख दी ना कि x2 ज्यादा बड़ा है x1 से, तो यहीं पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइव वन डैश माइनस फाइव टू डैश करना पड़ेगा, मतलब जो बड़ा फेज है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है चुपचाप से, समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस, तो लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल फेज पे डिपेंड कर रहा है ना। जनरली क्या होता है, 99% चांसेस में क्या होता है कि फाइव वन एंड फाइव टू इक्वल होते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस में, 1% में अलग अलग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन पे, सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर अलग अलग लोकेशन पे जाओगे तो अलग अलग फेज डिफरेंस मिलेगा, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी वैसे ही डेल्टा फाई भी चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। और ये देखो डेल्टा फाइव जो है ना ये यहाँ पे आता है, ये कॉस फाइव में ये फेज डिफरेंस ही होता है डेल्टा फाइव, ये देखो दोनों दोनों वेव के बीच का एंगल ही होता है, ये मतलब दोनों के एंगल डिफरेंस ही होता है एक्चुअली, ये होता ही नहीं होता, हाँ हाँ वो कॉस डेल्टा फाइव होता है भाई, यहाँ पे अपन दोनों के बीच के डिफरेंस को फाइव लिखते हैं, ये तो वो भी डिफरेंस ही है कि नहीं। और जैसे ही डेल्टा फाइव यहाँ पे आता है, इस डेल्टा फाई का डायरेक्टली इफेक्ट होता है ए नेट पे, डेल्टा फाई अगर चेंज होगा तो नेट एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना, होगा नहीं होगा सर, होगा,
और एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली इफेक्ट होता है इंटेंसिटी पे. अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा. होगा और इंटेंसिटी का तुम्हें डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई देगा कि कहीं पे उजाला होगा, कहीं पे अंधेरा होगा, कहीं पे लाइट ज्यादा ब्राइट होगी, कहीं पे जो लाइट है वो कम ब्राइट होगी. आ रही बात समझ में? यस सर. ये सब चीजें आपस में रिलेट करती है. ये देखो समझ रही बात ये? यस सर. अब मैंने जो वहां पे बोला था तुम्हें कि आई का फॉर्मूला इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेंसिटी इनटू स्पीड वेलोसिटी. वेलोसिटी है ना, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी. तो इसमें क्या करूं मैं, इसमें हम क्या करें, किधर का मिटाना है मेरे को? राइट साइड का मिटाना तो बाकी है. लिख तो लिया सर मैंने, इधर का बाकी है. सुपरपोजिशन तो मिटा दूं ना? हाँ वो मिटा दो. ये वाला भी मिटा दूं ना? हाँ वो पर्पल 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 तो नीचे लिखा था, ये तो इधर से ऐसे जा रहा है ना, वो ही रख पर्पल वाला. ठीक है इंटेंसिटी. अब अगर मैं ऐसा मान लूं कि इफ आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड स्पीड ये सब कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तब आपकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के. एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है मजा दी बात ये. एंड ए नेट की इक्वेशन क्या होती है, ए नेट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था अभी, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस. अब मैं लिख देता हूँ डेल्टा फाइव. समझ गए ना बात को? नाउ एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ये हाँ के कॉन्स्टेंट है, सिर्फ कुछ और रखो ना कंफ्यूज हो जाए. मैं इससे कंफ्यूज हो जाएगा. अरे के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, अरे तो लगा लेना कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. अब यहाँ पे देखो मैं ए नेट को क्या लिख सकता हूँ, मतलब ए नेट के लिए लिखूंगा मैं आई नेट. आई नेट इक्वल टू के इनटू ए नेट का स्क्वायर. सिमिलरली आई वन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा के ए वन का स्क्वायर. और आई टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, के ए टू का स्क्वायर. अब इस ऊपर इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू पुट करें अपन किसकी, ए नेट की, ए वन की और ए टू की, तो क्या लिख सकते हैं अपन, आई नेट बाई के. आई नेट बाई के इक्वल टू आई वन बाई के. आई वन बाई के में सेम ही लगेगा ना, आई टू बाई के. हाँ ये के सबके लिए सेम ना? हाँ सबके लिए सेम है, ये रूट में आएगा ना सर. रूट आई टू बाई के इंटू कॉस डेल्टा फाइव. के को उड़ा दो सब जगह से. उड़ा दूंगा. तो आई नेट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन इंटू कॉस फाइव कॉस डेल्टा फाइव. तो ये तो ऊपर थी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, और ये दूसरी हो गई है इंटेंसिटी की इक्वेशन. तेरा हंसना वो रूट के अंदर नहीं क्या, कॉस वाला बाहर किया है, बाहर है, बाहर है, बाहर है. दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है भाई. अच्छा ये वाला अब केटी जी के उससे भी लंबा होता जा रहा है. क्या बोल रहे हो बेटा? केटी जे के डेरिवेशन से भी लंबा होता जा रहा है ये वाला. आज बोर्ड वाला सुमिता बोलते कि वेव्स एसएचएम से ज्यादा इजी है. कौन बोल रहे थे? वो वीर मित्तल. अच्छा उन्होंने पढ़ा नहीं है ना ये बैच में, वो बोर्ड वाले में ऐसा नहीं है वेव्स इससे. उनको सिर्फ बोला गया है कि वेव ऐसी होती है, उनको पढ़ाया नहीं गया है कि वेव ऐसी होती है ना. समझ आई बात ये? बुक में मैस हो रहा है, पता नहीं चला कहां से कहां जा रहा है. अरे तुम्हारे अभी
अरे देखना भी तुम्हारे झाग निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। टफ चैप्टर है, मैंने पहले ही बोला था। अभी तुमने एसएचएम भी नहीं पढ़ा है, अभी अपन ने एसएचएम भी नहीं पढ़ा है, ये बात मान के चलना। एसएचएम में भी क्वेश्चन टफ पढ़ो तो दूसरे चैप्टर का आने वाला है ना, वो एडवांस में ना मेंस नहीं, और भी वैरायटी है बेटा उसमें। वो तो क्या है कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं, वो तो 60% हुआ एसएचएम, 40% क्वेश्चन भी तो करने बाकी है ना। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो पता लगता है ओहो ऐसे भी हो सकते थे कुछ। शीट तो मस्त है ऐसे। हाँ अभी तो मस्त ही लग रही, पेपर देना और मस्त लगेगा। पेपर तुम्हारा तो इजी निकला है इस बार का, पेपर इजी है, सब लोग पूरा ट्राई करना अच्छे से ढंग से। बहुत इजी पेपर निकाला है तुम्हारा मैंने। थैंक यू। अगली बार का टफ होगा, अगली बार जब भी होगा एसएचएम का पेपर वो टफ होगा। देख लेंगे। हाँ मेंस के लेवल का इस बार, एडवांस का ही नहीं हूँ मान लो तुम्हारा। सर हाँ बोर्ड में आप सॉल्व कर दोगे? क्या बोल रहा है? डाउट्स पे तो सॉल्व कर दोगे? डाउट किसके? वो एसएचएम की शीट के। एसएचएम की शीट के सॉल्व करवाऊंगा ना मैं, अभी कहाँ जाता चाह रही है। अरे वो पुराने वाले जो डिस्कस हो गए वो तो ये उदय बता देगा। उदय बता देगा रिकॉर्डिंग में से देख लेना ना। वाह चिन्मय वाह, मेरा डाउट पूछा रहे रिकॉर्डिंग में उसने कहा डाउट ऐसा बाकी था सर रुको। अरे मतलब बाकी के डाउट भी तेरे डाउट होंगे ना। जल्दी नोट करो भाई। अरे रे बातें नहीं, ये याद कर लो इतनी देर में। सर सर मेरे को क्या है एक बात आपको। क्या बोल रहा है? सर ये अपना आईनेट का यही याद करें ना, क्योंकि बोर्ड में आपने वो एक क्वेश्चन योगी के दिन में आया था, योगी कलर से, तो आपने सिर्फ टू रूट राइट टू लिखवाया था, कॉस फाई नहीं लिखवाया था इसमें। अरे नहीं वो बेटा मैक्सिमम के लिए लिखवाया था। अभी अभी आ रहा है ना यार मेरे लाल। ठीक है ठीक है। अरे ये भी कॉपी किया था तूने? वाला मिटा दो बोल ले। अभी मेरे लाल अभी आएगा, अभी थोड़ी वेट। ये हटा दूं ना सारा? अरे नहीं सर लेफ्ट वाला सिर्फ। अरे अरे सर ठीक है, धीरे धीरे वेट कर आएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा ये। ठीक है सर। ओम बोला ऐसा कब बोले? देखो सही बात तो जो है वो पढ़नी तो पड़ेगी, अपन ने एडवांस बेस सेलेक्ट किया है। ठीक है अब इसमें ऐसे मुंह मत बनाओ कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, जो है वो तो पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने I1 I2 को बराबर कर दिया, तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या? हाँ सर। तो I net कितना हो जाएगा? 2I1 plus cos delta phi। ठीक है, अब 1 plus cos delta phi को मैं लिख सकता हूँ क्या? 4I2 delta phi by 2 है? 2 delta नहीं सिर्फ 5 by 2 लिख सकता हूँ ना मैं। हाँ हाँ तो ये तुम्हारे पास आई नेट का फॉर्मूला होता है कब? जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो, I1 I2 बराबर हो तब। ये तो हम उसमें डाल के नहीं, उसमें डाल के निकाल लोगे तो उसमें ना फिर इससे चीजें आसान हो जाती है ना सर। पर ये याद रखना पड़ता है, ये याद रखना पड़ेगा, वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, सबकी इम्पोर्टेंस है। ऐसे बक्से नहीं बना रहा हूँ मैं। फिर मैं जब बोलूंगा ना कि 4I cos² delta 5/2 होगा, तब तुम मुंह देखोगे कि कहाँ पे लिखवाया था, क्या करवाया था। और इस पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन रिजॉइन करने के बाद 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स में, 12th क्लास में भी एक वेव आता है जिसे वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना अभी बेटा, सुपर पोजिशन नॉन स्प्रिंग करेंगे ना यार। हाँ इस बार थोड़ा सा पढ़ा दो फिर क्वेश्चन करेंगे। ए पीयूष क्या क्वेश्चन करने की जल्दी हो रही है तुम्हें? ये कितना लंबा जा रहा है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन बोला चलो। ये पार तो देखने से पहले बोल रहा है। अरे ये डिक्टो सेम चीजें रिपीट होगी वापस 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स में, इसलिए ध्यान से पढ़ो।
ओके सर। हमें क्या लगा था कि मतलब जो बोर्ड में पड़ा है वो वेव है, उसमें भी बच्चे ना, उसमें भी और सर वो लोग बोलते हैं अरे बोर्ड वाले बीच में, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं आइटम जिनको लगता है अरे सर बहुत टफ पढ़ा रहे, बहुत टफ पढ़ा रहे, ओ बहुत टफ पढ़ लिया हमने फिजिक्स में, मतलब तो क्या पढ़ लिया था आपने, इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ाते वहाँ पे ढंग से हम, क्योंकि उतना भी नहीं होता है एनसीईआरटी में। अरे सर वो बोलते अपने पूरे एनसीईआरटी चार्ट लिया, बहुत इजी चैप्टर है तू पढ़। कौन बोला? पढ़ के ये वीर निश्चय मितेन सब बोलते हैं बहुत इजी चैप्टर है, एसएचएम से भी इजी है, हमने पूरा चैप्टर चाट लिया ऐसा बोलते हैं। एसएचएम से भी इजी है, मतलब एसएचएम इजी था वो ये। अरे वो बोर्ड पर पीयूष वहां पे कुछ नहीं आता बेटा यार, मेरे को दो वेव मैंने बनाई जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जब वो सुपर इम्पोज करेगी मतलब मिलेगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर वो सेपरेट हो जाएगी, दोनों दोनों आगे निकल जाएगी ऐसे। खत्म नहीं हो जाएगी, ए हो जाएगा वापस, ये वापस ए हो जाएगा ना, खत्म क्यों होगी पागल, एम्पलीट्यूड दोनों का ऊपर है ना, दोनों का वो सेम है ना, तू थोड़ी है खत्म हो जाएगी। हां बोर्ड नहीं पढ़ा थी मैंने सर, बोर्ड नहीं पढ़ा ना इसलिए ऐसी बातें करते, खत्म हो जाएगी ये तो केमिस्ट्री पढ़ के आया है, मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। अरे लॉजिक है भाई, मौत मौत में ऐसा होता है इसमें मौत में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोटी मौत में ऐसा होता है मोटी अब खत्म हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रक्टिव चिन्ह में अब खत्म हो जाएगी, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या क्वेश्चन आता है, अब सुनना बात को, ये हाँ मत करो चुप रहो, देखो एक वेव और दूसरी वेव जब सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब हम क्या बोलते हैं, वेव जो है वो एनर्जी लेके आ रही है, वेव क्या लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है, एनर्जी मतलब एम्पलीट्यूड ना, बेसिकली जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी, yes. समझ आ रही, ये इस बात से एग्री करते हो, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी होगी नहीं होगी, yes, अब देखो बेटा कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये वेव इधर से भाई ऊपर चल जा, हाँ सुनो मेरी बात, लेफ्ट वाली एनर्जी और राइट वाली एनर्जी, इसको स्क्रीन शॉट ले लो इसका, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला क्या है डायग्राम, हाँ मतलब वो आप फिर से बनाना है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, पीयूष तुम्हारा माइक अटक गया है बेटा, नहीं मैं अटक के बोल ही रहा था, हाँ तो पता है मेरे को ऐसे इसका होता है ना, वो देगा क्या सर,
देखा भाई करता है ना ऐसे। अरे हमारा वो न्यू एडमिशन कब से क्लास ज्वाइन करेगा भाई? कौन? जुगल। अच्छा वो तो कल आ रहा है। कल आ रहा है, कल फोन किया था। कल आ रहा है, कल छुट्टी है। मतलब कल तो जामनगर पहुंचेगा। पहुंचेगा सर, कल छुट्टी है ना कि नहीं है? उड़ के पतंग कल पतंग उड़ाए वाले हो? कल पतंग उड़ाए संभल के उड़ाए पर, है ना? हाँ सर। एक दो साल तुम्हारे इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा संभल के उड़ाए। उड़ाए पर संभल के उड़ाए, वरना फिर सतर्क रही है। नहीं, बहुत सारे केस होते हैं कि भाई अपन तो सावधानी से उड़ा दें कि आगे पीछे का भी थोड़ा ध्यान रखें। मैं वेव भी पल्सेट करवाए। तू क्या करता है सर? आपको आता है पतंग उड़ाना? हाँ मेरे को आता है। अच्छा आता है वो भी सर। सब कुछ उड़ा देते हैं। अभी तुम्हारे उड़ा रहा हूँ ना तुम्हें ऐसे। भाई वही सर, वही तुम्हें बोल रहा हूँ। मार्क्स का एनएलएम उड़ा दिया मैंने। मेरा फिजिक्स उड़ा दिया आपने। तुम्हारा फिजिक्स उड़वाया है। अभी दिमाग उठ रहा है सही में। आधो को तो बोर्ड का पेपर सर, फिर आप अगर मुझे ए वो तुम्हारी वाटी आ रही है। सर बोर्ड का पेपर इजी था। 12th क्लास में जाते रहते हैं तो मैं भरोसा उठ जाएगा फिजिक्स पे से, देख लेना। रहो इंतजार क्यों करना है? मैं 12th में तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन मेरा अभी से उठ गया भरोसा चुका है सर। अब उठने से उठा क्यों ना? अपन वैसे भी बेटा कुछ नहीं पढ़ते। दूसरी बार बना रहे हो ना कि फिर से हमें भी बनाना है? वही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं ना सर। आप ओढ़नी भी उड़ाते हो ना? ओढ़नी बिल्कुल शर्म ही नहीं है एकदम। शर्म बाद में देखेंगे। है बेशरम। अभी फिर मैं कुछ अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वरना मैं अच्छा जवाब देता मैं तुम्हें। अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग कहीं जा रही है किसी ऑफिस में या कहीं? बोल दो। नहीं, 12th वाले बच्चों को जाएगी ना इसलिए। तो वो तो आपको जानते ही है। वो तो और अच्छे से जानते हैं। उधर वो तुम्हें नहीं जानते ना, तुम्हारी बेइज्जती होगी ना वहाँ पे। ओ ऐसे वो सर आप हमको जानते ही नहीं, तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर रहे हो? अच्छा मैं तुझे बेइज्जती करवाने का शौक है? उसको तो आदत है, शौक नहीं। उसको तो आदत तेरा ले लो। जब तक उसकी उतरे नहीं ना एक दो बार, जब फर्क उसको। देखो क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात। यहाँ पे वेव जो है वो सुपर इम्पोज हुई थी। सुपर इम्पोजिशन की वजह से फ्लैट हो गया था बीच वाला स्ट्रिंग। बट यहाँ पे एनर्जी खत्म नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि जब दो ऑपोजिट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है तो एट द सुपर इम्पोजिशन एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती है। अपने को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग फ्लैट हो गई है, बट वो फ्लैट तो हुई है। बट वहां पे एनर्जी जीरो जो है, एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल के पास चली गई है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वाले जब देखो वेव, ये वाली वेव जब आगे निकलेगी इधर, ये वाली वेव जब आगे निकल रही होगी यहाँ पे, तो ये वाला जो पल्स बनेगा यहाँ पे इसके बाद, ये वाला ऐसे पल्स बनेगा। इसका मतलब ये वाले जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहे होंगे इस तरीके से। Okay. और ये वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहे होंगे। समझ रही बात ये? इसलिए यहाँ पे एनर्जी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना। स्पीड होती है यहाँ पे भी, तो जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। कौन वीडियो चलती है? गलती से हो गया। सुपर पोजिशन होता है। ये डायग्राम बनाओ फिर इसके बाद नीचे लिखते हैं अपन। तो पिंक से वापस दूसरा, मतलब वो वेव का ये क्या बनाया है? ये पार्टिकल की डायरेक्शन, ये वो नहीं, उसके आगे ये डॉट 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 से। ये मैं बताया कि वो वेव आगे निकलेगी तो ऐसे ये पल्स बनेगा। नीचे बन गया ना उसका डायग्राम, okay. पल्स बन गया ना आगे, उस वाले में ऊपर बनेगा, उस वाले में यहाँ ऊपर बनेगा ऐसे।
एरो इंक्रीजिंग साइज में क्यों पीयूष पियानो बज रहा है एरो इसलिए क्योंकि जो सेंटर पे जो पॉइंट होते हैं उनकी वो वहां पे बनेगा नोड और वहां पे स्पीड जो होगी वो सबसे कम होगी मेन पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा होगी हाँ एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा होगी ना ये उल्टा हमारा डायग्राम है बहुत अग्रे हो रहा है अरे ये स्टैंडिंग वेव्स ही है आप कलर यूज कर सकते हो स्लिपिंग वेव्स भी होता चल रहा है हाँ स्लीपिंग वेव्स भी होती है अभी तुम्हारी तो मैं सारी वेव्स निकाल दूँ तुम्हारे चुपचाप लिखो इसमें फॉर अबाउट फर्स्ट सिचुएशन एक मिनट सर सर वो फर्स्ट कौन से वो नंबर कौन सा वो टू ए वाली है ना पिछला वाला फर्स्ट है ना सीरियसली तुम लोग है ना बहुत टाइम वेस्ट करने लगे हो सीरियसली सर बोलो 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 सर ठीक है ना ये हरकतें अभी थोड़ी सही कर लो वापस टाइम वेस्ट मत करो सिलेबस तुम्हारा बड़ा है 12th तक भी खत्म नहीं होएगा तुम्हारा रिवीजन तो बहुत दूर की बात है इसमें लिखो फॉर अबव फर्स्ट सिचुएशन एट द सुपर पोजिशन पॉइंट सर ये इस केस की बात कर रहे हो ना सोच के निकलेंगे एट द सुपरपोजिशन पॉइंट एम्पलीट्यूड बिकम्स 2a पहले वाले में एम्पलीट्यूड कितना हो गया था 2a और बट इन द सेकंड सिचुएशन बट इन द सेकंड सिचुएशन एम्पलीट्यूड बिकम्स 0 इल्ले ब्रो Amplitude becomes zero. उसके बाद फुल स्टॉप करके लिखना ऑल द एनर्जी इन द सेकेंड सिचुएशन ऑल द एनर्जी इन द सेकेंड सिचुएशन कन्वर्ट्स इंटू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस एच एम पार्टिकल्स All the energy. Huh? All the energy converts into kinetic energy of SHM particles. Kinetic energy of SHM particles. समझ आई बात ये? हाँ सर. अब देखिए देखते हैं सर 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 एक सेकंड. दिमाग लगाना दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना. सर मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो काइनेटिक एनर्जी तो फिर वो हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो जीरो क्या जीरो अरे ये वेव है क्वेश्चन हाँ ये वेव है मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उसमें ए स्क्वायर जीरो है ना तो माइनस एक्स स्क्वायर कुछ है ऐसा बेटा अमन वेव्स पढ़ रहे हैं वेव्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है वेव्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी वगैरह वो तो हाफ हाफ न्यू डीएक्स वाला ना हाँ डी के फॉर्म में ही है वो फिर वो उसको ऐसे अलग नहीं किया चलो तुम्हें ये सिचुएशन दे रखी है टी इक्वल टू जीरो पे है ना आपको डायग्राम प्लॉट करना है ड्रॉ द डायग्राम At t equal to 3 by 2 and t equal to 2 second. बनाओ डायग्राम कैसे बनेगा दो सेकेंड पे तो ये रेक्टेंगल के ऊपर ट्राइंगल हो जाएगा हाँ सही है कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा चार मीटर चार सही है
सही है। आप डेढ़ पे बनाओ, ऊपर आ जाएगा सर। तो कुछ है, ये 2 मीटर मतलब बीच के 2 मीटर पे दोनों थोड़ा थोड़ा सुपर इम्पोज करेगा और ट्रेपेजियम जैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बने। जो 4 मीटर ये जो येलो सबसे बीच वाला है ना, सब्ट्रैक्ट मतलब शेप को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड शेप भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे नीचे वाला है और ऊपर वाला 1.5 सेकंड पे बनेगा। पहले 2 सेकंड वाला देख लो, वो ज्यादा इजी है। उसमें क्या करना है, देखो ये वाली वेव, ये वाली वेव देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 मीटर है, ये मीटर है। हाँ सर, ये भी 2 मीटर है। इसमें पॉइंट मार्क कर लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ऐसे पॉइंट मार्क कर लो, पॉइंट के हिसाब से चलाओ वेव को, है ना। अब अगर पॉइंट के हिसाब से चला के देखोगे तो ए वाला पॉइंट 2 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, ए वाला पॉइंट 2 सेकंड में 4 मीटर आगे बढ़ जाएगा। मतलब ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो बी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर भाई सारे पॉइंट 4-4 मीटर आगे बढ़ेंगे ना। हाँ सर, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो बी वाला पॉइंट वो सी पे चला जाएगा। हाँ सॉरी, सी पे चला जाएगा वो ना, ये ज्यादा डिफरेंस ये है। तो इसका मतलब जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं सॉरी, ये जो हाँ रेक्टेंगल ही है, वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ सर। और ये जो ट्राइंगल है वो भी कितना आगे बढ़ चुका, देखो सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बी पे, वो बी पे आ जाएगा। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। तो ये उसके ऊपर ऐसे बनेगा, अब देखना फाइनल डायग्राम ऐसे बनेगा, ये फाइनल डायग्राम है जो मैंने सॉलिड बनाया है। सही है, झोपड़ी बन गई, ठीक है, पिंक कलर की। हाँ सर, 1.5 सेकंड पे बनाओ। अब वैसे बनाओ जैसे मैंने पॉइंट को चला चला के बनाया, वैसे बनाओ। 4 मीटर होगी ना, राइट एंड हो जाएगी। 4 मीटर होगी ना टोटल। सिर्फ सेंटर वाले पॉइंट पे 4 मीटर आएगी, हर जगह 4 मीटर नहीं है। देखो पॉइंट को चला ले अपन, तो वही अपने को तो पॉइंट चलाने हैं बस, और क्या है। तो 3 मीटर ए वाला पॉइंट कितना आगे खिसक जाएगा, 3 मीटर सब 3-3 मीटर तो सारे 3-3 मीटर खिसक जाएंगे। तो ए वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कहीं। मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है वो है अपना कितना 6 मीटर नहीं सॉरी 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 कितना 3 मीटर है ना, 4 मीटर ही रहेगा ना ए और बी के बीच में। अच्छा यस, मीटर इधर निकल जाएगा ना ये। हां सर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझ आ गई बात ये। और इधर से सी वाला कितना चल जाएगा, सी वाला आ जाएगा यहाँ पे, वो इस साइड 3 मीटर उधर, वो इस साइड 2 मीटर के बीच वाला यहाँ पे होगा कहीं, होगा ना। ये 3 मीटर इधर और ये डी पॉइंट है, सी और डी के मिड पॉइंट पे। सी और डी का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा भाई, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, होगा ना। तो ये ट्राइंगल ऐसे अंदर आ जाएगा, ऐसे
ये मेरे से ना डायग्राम सही नहीं बना है तो तुम प्रॉपर बनाना, ये डी यहाँ बना लो ताकि तुम्हें थोड़ा सही लगेगा। देखो ध्यान से, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें कुछ लोचा तो नहीं किया है? हाँ मेरे हिसाब से नहीं सर, बराबर है ना? हाँ सर, बराबर है ना। अब देखो सुपर इम्पोजिशन वाले एरिया पे देखो, सुपर इम्पोजिशन कहाँ कहाँ पे हुआ है? देखो सुपर इम्पोज दिख रहा है ना तुम्हें कहाँ कहाँ पे हुआ है? ये तो सॉलिड बनेगा इधर, ये वाला तो वो ट्रायंगल अंदर छोटा सा उसका, और इतना एरिया सुपर इम्पोज हो गया। देखो ये भी सॉलिड बनेगा, सुपर इम्पोज यहाँ पे हुआ सर। हाँ एग्जैक्ट स्क्वायर के रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे आएगा। एम्पलीट्यूड बराबर है ना, क्योंकि ये ऐसे बनेगा। देखो डायग्राम ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे। इसको क्यों उठा दे? क्योंकि वो सुपर इम्पोज हुआ ना बेटा। ओके हाँ, वो पार्ट ऊपर चला जाएगा। एम्पलीट्यूड ऐड हुआ ना, जैसे इधर अपन ने झोपड़ी बनाई थी ना ऊपर। हाँ हाँ सर, वैसे ही ऊपर चला गया है। आया सामने में? यस सर। हाँ सर, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कर लोगे ऐसे और भी क्वेश्चन? हाँ सर, करवा वापस। यस सर, ठीक है ना, कर लेना ना, मेरे पास है नहीं एक ही अच्छा क्वेश्चन का। ये मैं चाहता था, पहली चीज इस चैप्टर में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये सिंपल लगी क्या तेरे को? इंटरेस्टिंग बोला मैंने, सिंपल तो बोला ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो तेरा इंटरेस्ट खत्म करते हैं भी। रुक जा प्रदेश, मान लो आप कोई हार्ड क्वेश्चन दोगे तो थोड़ा मजा आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। अरे हर्ष होशियार हो गया है बेटा। वो सर आपका वो बना लो, क्या बना लो? अरे यार ये तो देखो टाइम हो जाता है, एक तो तुम्हारी क्लास में ना पढ़ा, थोड़ी सी देर पढ़ाती टाइम हो जाता है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। दो चार घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी एक दिन तुम्हारी। हाँ तो क्या देख, अभी तो पढ़ाने स्टार्ट किया है, दो चार डायग्राम बनाया उसमें तो क्लास खत्म हो गई है। नहीं एक दिन है ना, मेरे को ज्यादा क्लास लेनी पड़ेगी तुम्हारी, कम से कम 3 घंटे की लंबी क्लास जिसमें पूरा खत्म कर दूंगा मैं एक दिन। पर हम बंद हो जाएंगे सर, पर 3 घंटे के ले लेना पाठ से। नहीं ऐसा करते, कल छुट्टी ना यार, कल रख लेते हैं क्लास। अरे कल मैच भी है सर, कल मैच भी है। कल नहीं है, कुछ नहीं है कल। भाई आज रात को है, कल है मैच से भाई, कल सुबह 12 बजे मैच से। वही हां तो कल एक क्लास है तो एक और सही, उसमें क्या दिक्कत है? फिर वो पतंग चगाने। यार छुट्टी किसके लिए मिली है, वो तो यूटिलाइज करे ना फिर। कहां मिली छुट्टी? कल क्लास है ना। अरे सर टाइम टेबल में, टाइम टेबल तो मैच की क्लास है ना कल। अरे नहीं मतलब वो आज रात को है, बारा वो बस ऐसे है, वो है ही ऐसे। वो तो सर हम बैठ हार गए थे इसीलिए। देखो मेरी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम डिले करोगे उतना सिलेबस तुम्हारा 12th में ज्यादा जाएगा। इसमें तुम्हें ही लॉस है, इसमें तुम्हें ही लॉस है। चाहो तो रुशिल से पूछ लो, रुशिल ले लो अभी। चलो ये हकीकत सुनो, तो बताओ और क्या। रुशिल, रुशिल इन लोगों को संघर्ष ही नहीं है, इनको लगता है कि 40 मिनट की क्लास बहुत ज्यादा हो गई। 40 मिनट की नहीं है हमारी, अरे हम क्लास लेने से भैया मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कल मत लो। और ये ऑफलाइन है बेटो, ऑनलाइन देखो सामने थप्पड़ भी पड़ेगी उसके बाद। तुम लोग बोल रहा है वो, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है 1 घंटे की क्लास से बहुत हो गई है। 12th क्लास में जाओगे ना तुम तो तुम्हें सांस नहीं आएगा, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है एक साथ।
टेस्ट दे रहे हो फिर उधर रिवीजन कर रहे हो। हाँ सैटरडे ले लेना सर, हम लोग क्लास में से मैं नहीं कर रहे लो अभी और क्या अभी आप बोल रहे हो। मैं कल मैं वैसे भी कल क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिपेयर रहना, किसी दिन मैं बड़ी क्लास लूंगा तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। एक दिन पहले जिस दिन मैं बोलू ना कि क्लास रे, एक तो बीच में मत बोला करो, जिस दिन मैं बोलू तुमसे कि आज बड़ी क्लास है तो उस दिन मुंह मत बनाना कि सर इतनी बड़ी क्लास ले रहे हो ये हो, उस दिन नाटक मत करना। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि किसी दिन क्लास लेनी पड़ेगी अपने को ज्यादा। अब कल नहीं दे रहा हूँ, कल मेरे को भी पता है, छुट्टी रखिए छुट्टी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। अभी ट्वेल्थ वालों को ऋषिल ये संघर्ष इनको समझ नहीं आ रहा है बेटा यार। क्या किसको समझ नहीं आ रहा? इन बच्चों को, इलेवंथ वाले बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है कि संघर्ष है ट्वेल्थ में, इतना सिंपल नहीं है। नहीं है सही है। हाँ उधर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उधर बोर्ड का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा होता है स्कूल का प्रेशर आ जाता है, इनके तो एनवीएन और है, स्कूल का और प्रेशर आ जाएगा। ट्वेल्थ में तो इनके लगने वाले एनवीएन में। हाँ एनवीएन में तो वैसे ही लग जाएंगे, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो और गनीमत हो जाएगी इनकी तो। बढ़िया जेवियर्स का तो अच्छा है, जेवियर्स का तो अच्छा है, जेवियर्स एकदम कूल, कोई दिक्कत नहीं, जेवियर्स वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, उनका सबसे अच्छा काम रहता है। थैंक यू। चलो इलेवेंथ वाले बच्चे जा सकते हैं, ट्वेल्थ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ? वैसे मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक